कल सिरसा जिले में पंचायत का चुनाव है जो कि 388 स्थानों पर 929 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से कि 73 लोकेशन जो हैं वो सेंसिटिव हैं, 65 लोकेशन जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव हैं। तो वहाँ पूरे पुलिस के समुचित प्रबंध किए गए हैं। हमारी 88 पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी पूरे क्षेत्र में। इसके अलावा 5 क्विक रिस्पॉन्स टीम हैं जो कि CIA हमारी तीनों हैं उसकी क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है ताकि कोई भी बड़ी अगर कार्रवाई करना पड़े तो तुरंत वहाँ पर पहुँचे। साथ ही 2 असॉल्ट टीम हैं जो सारे वेपन से सुसज्जित रहेंगी और उसके ऊपर 2 DSPs की लॉ एंड ऑर्डर जो है कंपनीज लगाई गई हैं। तो ये हमारा सुरक्षा का प्रबंध है। साथ ही जो भी सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं उस पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है और जहाँ भी हमको लगता है कि कोई आवश्यकता है या कंट्रोल में फ़ोन आता है तो वहाँ भी एक्स्ट्रा फोर्स जो है उसको लगाया जाएगा। साथ ही हमने 20 गाँव हैं जो अभी तक हमारी सूचना है कि जहाँ हमको ये सूचना आई है कि कुछ वहाँ पर समस्या हो सकती है तो वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है। सामान्य वर्दी में भी लोगों को लगाया गया हमारे पुलिस के। वहाँ वीडियो फोटोग्राफी भी हम लोग करवा रहे हैं। आज वहाँ फ्लैग मार्च, पैदल मार्च भी चल रहा है। साथ ही हमने 51 लोगों को चिन्हित किया है जिनका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या पहले उन्होंने चुनाव में जो है कोई बाधा डाली है या जो हमारी गुप्त सूचना है, तो उन पर भी हम लोगों ने बिल्कुल नज़रें रखी हुई है। और सभी को ये क्लियर कट मैसेज दिया गया है सारे SHO को, DSPs को, कि पूरी सख्ताई के साथ वो लोग ड्यूटी करें और अगर कोई भी चुनावी प्रोसेस में बाधा डालता है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है या कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है तो उससे सख्त से सख्तम कार्रवाई हो, प्रॉपर वीडियोग्राफी हो, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएं, पर्चा दर्ज हो और जो भी सख्त कार्रवाई संभव है वो उनके खिलाफ़ की जाएगी। तो वो भी हमारी कार्रवाई चल रही है और जो सूचनाएं आ रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लगभग 3,000 के आसपास जवान जो हैं जो अभी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो उसमें से 1500 के आसपास बाहर से हैं, बाकी जिला पुलिस के हैं। अभी इस चुनाव को लेकर तो लगभग 6 शिकायतें आई हैं तो उन पे हमने कंसर्न DSP को इंक्वायरी करने को बोला है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई वो नहीं हुई है, बट शराब पकड़ी गई है थोड़ी सी और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हमारी टीम वहाँ पे रेड्स कर रही है। उसके लिए स्पेशल एंटी नार्कोटिक सेल और CIA को लगा रखा है। तो जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आती है उस पर कार्रवाई हो रही है और कई लोगों को चेक भी करवाया गया है उसमें। कल वो लगभग 35 बॉटल के आसपास थी जो पकड़ी गई, तो उसका भी चल रहा है कि वो लीगल इलीगल क्या था, जाँच चल रही है उस पर। नहीं, वहाँ अभी भी चल रही है और रात में भी चलती रहेगी और कल भी चलेगी और जैसे जैसे सूचना आती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 20 परिवर्तित होता रहता है अगर कहीं से, क्योंकि पंचायत चुनाव में बड़ी डायनामिक स्थिति होती है तो जहाँ से जो भी जब इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे गाँव का आपसी भाईचारा है, अपनत्व है, आत्मीयता है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए और हम सब कोशिश करें कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, कहीं भी जो है नियम कानून कोई ना तोड़े और चुनाव आचार संहिता जो है उसका पालन करे, बिल्कुल निष्पक्ष हो और गांव की शांति वो हमेशा के लिए बनी रहे।